नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा समाचार और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आज दरभंगा समाचार की टीम पहुंची है पंचायती विकास विशेष कवरेज पर बाजितपुर पंचायत। यहां के आम लोगों से भी हमने कुछ बात किया यहां के विकास के मुद्दों पर और यहां के मुखिया प्रत्याशी जो कि एक शिक्षित महिला है किरण देवी, पिछले 15 वर्षों से वो लगातार मुखिया के रूप में इस पंचायत में रही है। आइए उनसे हम बात करते हैं यहाँ के पंचायत के विकास के मुद्दों पर। मैं बाजितपुर की, मैं ग्राम पंचायत राज बाजितपुर की मुखिया हूँ। मेरा नाम श्रीमती किरण देवी हुआ। मैं अपने पंचायत वासियों को, आदरणीयों को, पूजनीयों को एवं छोटे नन्हे बालक बालिकाओं को, भाई बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देती हूँ और मैं यही अपील करती हूँ जो अच्छे से आप नव वर्ष मनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। इस पंचवर्षीय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से राशि देने का काम किए हैं, जो जिस माध्यम से 7 निश्चय के माध्यम में ज़्यादा अमाउंट आया और उस राशि से हमने वार्ड सदस्यों को राशि देने का काम किया और वार्ड सदस्यों ने सही सुचारू रूप से 7 निश्चय के तहत जो विकास कार्य है उनको वो सही रूप से काम किए। विशेषतर वार्डों में नल जल का काम पूर्ण रूप पर है और हर जगह पानी देने का, जल देने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में 5,000 का टंकी देने का प्रावधान था तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 17-18 का जो 3 वार्ड हमारा चयन था प्राथमिकता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, वहाँ एक टंकी का देने का बात था तो वहाँ एक ही टंकी 5,000 का पड़ा और उसके बाद से वो 19-20 में जो वार्ड चयनित था वहाँ 2 टंकी देने का प्रावधान हुआ है तो 10,000 का। किरण देवी महिला मुखिया है बाजितपुर पंचायत की, जो 3 बार मुखिया बन चुकी है, लेकिन विकास का काम तो वो बहुत बता रही हैं। क्या वहाँ पे सड़क योजना के तहत लंबे पड़े हुए इस सड़क का क्या हुआ, आइए लोगों से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह का विकास किया। कितने सालों से रास्ता खराब है? रास्ता तो 40 साल से खराब है। क्या कभी आपने अपने जनप्रतिनिधियों के पास नहीं किया कि इस रास्ता को ढलाई कर दिया जाए? या हो रहा है या हो रहा है, हम आगे लिख रहे हैं। कितना तकरीबन कितने वर्षों से खराब है? वो तो 30-40 साल से खराब है। मुखिया जी क्या किए? मुखिया जी खरंजा करवा दिए उसके बाद। हमारे पंचायत अंतर्गत 1 से 15 वार्ड हैं और सभी वार्डों में वार्ड मेंबर के माध्यम से ही वर्क किया गया है। अभी तक इस पंचवर्षीय में जो लिस्ट निकला था तो उसमें 500 व्यक्ति का चयनित था, 500 व्यक्ति का चयनित था तो लगभग पूर्ण हो चुका जी। कहीं कहीं बिचौलिया के माध्यम से हुआ, इस पर हमने आवाज़ उठाई तो कुछ लोग सतर्क हुए और वहाँ से कुछ बंद होना स्टार्ट किया। हमारे यहाँ सड़क और नाली का काम किया गया 7 निश्चय के माध्यम से तो हर नाली जहाँ तक सही है और हमने भी अपने मुखिया फंड के माध्यम से नव नाला का निर्माण किया जी। हमने वो बनाने का प्रयास किया और हमने एस्टीमेट बना के रखे थे और हमारे माननीय विधायक जी आकर के उस रोड का शिलान्यास कर दिए तो हम उस काम को रोक दिए और उस बगल में उसी पैसा से नाला का निर्माण पारित किए हैं। ये बताइए कि आपके पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है? हमारे पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं है। उसके लिए आपने लिखित आवेदन दिया? जी जी, स्वास्थ्य सबको उप स्वास्थ्य केंद्र का हमने बहुत बार लेटर पैड के माध्यम से उनको हमने प्रस्ताव पंचायत समिति के बैठक में
बहुत बार दे चुके हैं किंतु आज तक उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। किनको शिकायत किए थे? बीडीओ साहब को। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया? कोई संज्ञान नहीं अभी लिया गया। आपके पंचायत के लोगों को किसी तरह का स्वास्थ्य समस्या होता है इसके लेकर के वो कहाँ जाने को मजबूर होते हैं? वो अधिकतर तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाते हैं और बहुत कुछ ब्लॉक में भी जाते हैं और कुछ DMCH लोग बोलते बोलते रह गए। लोग आते थे हमारे यहाँ, मुखिया जी कुछ कीजिए कुछ कीजिए, हम लोग डीलर साहब को कहते थे किंतु उस पर में कोई निराकरण नहीं किया गया। डीलर का नाम आपके यहाँ का? संपूर्ण डीलर बाजितपुर पंचायत अंतर्गत जितने भी डीलर हैं संपूर्ण डीलर, उसमें कालीकांत मनोरा 14 वार्ड के वो डीलर हैं, जो आपको 6 और 5 का भी डीलर हैं, तो वो कुछ लोगों को देने का काम किया किए और कहीं नहीं ऐसा हुआ हमारे नजर। साहब को कहें हाँ देखते हैं कहते हैं डीलर को देने के लिए, जब लोग जाते थे तो डीलर साहब एकदम पीछे हट जाते थे। उच्च पदाधिकारी का BDO साहब का तो हम लोग प्रशासनिक लेते ही हैं, तो उनका पूरा सपोर्ट रहता है। प्लस हमारे यहाँ DM साहब भी आए थे जांच में नल जल योजना का, आपको 2018 में, तो उनका पूर्ण सहयोग मिला। किसी पदाधिकारी ऐसे भी हो जो जिन्होंने आपका सहयोग नहीं किया हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, इस बार फिर चुनाव लड़ेंगे क्या आप? अभी तो मैं हूँ, आगे देखा जाएगा जनता की जो आदेश होगा। यदि आप चुनाव लड़ती हैं तो फिर किस मुद्दे के साथ जाएंगी आप? मैं अपने पंचायत वासियों से यही आग्रह करूँगी जो हमें वो फिर मौका दे, यदि उनके नज़र में मैं सही हूँ, अच्छा वर्क हमने किया, उनका विश्वास हमने जीता है, तो वो हमें फिर विकास, नया जो विकास का काम अधूरा रह गया है उस विकास का मुद्दा लेकर के मैं उनके दरवाजे तक वोट मांगने का काम करूंगी, जाऊंगी और उनसे अपील करूंगी जो वो फिर मुझे मौका दें। नहीं राशन कार्ड नहीं है, बिल्कुल मिट्टी तेल तक नहीं, कुछ भी नहीं, जबकि हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं, कितना बार उनको जाकर कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, उनके दरवाजे पर उनके लड़के को फॉर्म जाकर के दे चुके हैं, हमारी फॉर्मों को फाड़ करके हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक राशन या किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। इस कोरोना काल में जो सरकार के द्वारा कहा गया जो आधार कार्ड पर 5-5 किलो राशन मिलेगा, वो भी मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं कुछ भी नहीं, एकदम नहीं, वैसे ही।